फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज के व्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं अपने घर से। उसका रीजन है कि आज के व्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अपने लिए मैंने चेस्ट माउंट मंगाया है अमेजोन से और अभी तक जो मैं भी जितने भी व्लॉग बनाता था वो मैं अपने बनाता था अपने कैमरे से, जो कि मेरा है GoPro Hero 7 Black और उसके लिए मैं यूज करता था ट्राईपॉड, जो वो भी GoPro का है। तो कई बार क्या होता था, मेरे को अपने हाथ फ्री रखने होते थे और ये मेरे को ट्राइपॉड हैंडी रखना पड़ता था, इसलिए मैं कंफर्ट नहीं रहता था। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सलाह दी कि मैं ये ट्राइपॉड यूज़ करूं, तो इसका आज रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं और कितना ये कंफर्ट रहता है मेरे लिए, कितना फिट रहता है वो देखते हैं। उसके बाद बाहर भी चलेंगे तो बाहर बाइक चला करके देखेंगे कि बाइक में जब हम जाते हैं तो कैसे व्यू आएंगे, थोड़ा ट्रैक करेंगे, हाइकिंग में भी ये काम आएगा। तो अगले जितने भी ब्लॉग मेरे आएंगे उसमें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ माउंट का, और उसकी स्टार्टिंग आज से हो रही है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। और बारिश का टाइम चल रहा है तो देख सकते हैं कि डबल पैकिंग है, इसके बाद भी ये गीला है। जो मैंने लिया है ये GoPro का चेस्टी नाम से ब्रांड आता है और ये मैंने लिया है ऑनलाइन 820 रुपए का। ऑनलाइन जब मैं देख रहा था तो 300 350 400 रुपए के भी थे, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ा अप टू मार्क नहीं थी। और सबसे मेन अंतर था यहाँ पर, जो चेस्ट से हमारे सीने से जो टच रहने वाला है पार्ट, उसमें इन्होंने फोमिंग की हुई है। बाकी में आप देखेंगे तो स्टील है, तो स्टील चुभ भी सकती थी, कम्फर्ट नहीं आता, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। और मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ तो कबीर बहुत एक्साइटेड है, उसको लग रहा है कि उसके मतलब भी कोई चीज़ है। हालांकि मैंने बताया है कि ये पापा का ऑफिस वर्क आया है, तो तब भी वो उछल कूद यहीं पर ही कर रहा है और बीच बीच में आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए इसको खैर शुरू करते हैं। और ये इन्होंने स्क्रू दिया हुआ है और ये माउंट है जो बेल्ट में फिट होगा, तो ये स्क्रू जो इस माउंट में लगेगा, और ये माउंट, और ये है मेन बेल्ट। ये बेटा पापा की बेल्ट है ना, और ये ओरिजिनल GoPro का है तो उन्होंने अपना लोगो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये बेल्ट है कुशन, जो कि हमारे सीने में लगा रहेगा, जिससे कि बहुत देर तक भी हम पहने रहे तो वो गड़ेगा नहीं, वो ऐसे देखिए ये ऐसे यहाँ लग जाएगा। ये तो फोल्ड नहीं हो रहा, लेकिन पीछे वाला फोल्ड हो जा रहा है। और फाइबर, प्लास्टिक या स्टील, पता नहीं कौन सा मिक्स कुछ है, तो चलिए पहन करके देखते हैं। और आपको देखने में वहाँ से शायद टाइट लग रहा होगा, बट ये इलास्टेबल है तो आप देख सकते हैं कि ज़रा भी टाइट नहीं है। और अगर फिर भी आपको टाइट, और क्योंकि अगर आप कई बार जैकेट पहने होते हैं, जैसे इस समय यहाँ पर मुंबई में रेनी सीजन चल रहा है तो रेनकोट पहनना होता है, तो यहाँ पर हम लूज़ या टाइट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम्फर्टेबल है। अब इसमें हम कैमरा सेट करते हैं अपना, और वो बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपके सामने ही लाइव करता हूँ। इसके दो ऑप्शन है, अगर आपको हाइट में कैमरा रखना है ऊपर से डालिए तो कैमरा हाइट पर हो जाएगा, और अगर आपको लो एंगल रखना है तो उसको नीचे से डालिए और कैमरा यहाँ से करिए तो लो एंगल हो जाएगा। मैं फिलहाल हाइट में रखता हूँ क्योंकि मुझे लगाने में ईजी होगा, उसके लिए मुझे ये रिसीव कर दिया, ये कर दिया और लॉक कर दिया। इसके बाद सिंपली इसको सेंटर में होल्ड ले करके और बस इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है और ये सेट हो गया है। अभी मैंने ये पहना है तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब मेरे दोनों हाथ फ्री रहेंगे। चलते हैं अब नीचे, बाइक स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा बाइक राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसा फ्रेम आ रहा है, हैंड कितने आ रहे हैं और क्या कैसा आ रहा है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, थोड़ा वॉक करके भी देखेंगे। तो अब मिलते हैं। मुंबई में लगातार बारिश की धूम है, ऐसे में चेस्ट स्ट्रैप माउंट के ट्रायल के साथ साथ हम मज़े लेंगे इस शानदार मौसम के भी।
चेस्ट स्ट्रैप माउंट से फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, ये वीडियो देखकर समझ आ ही रहा है। वीडियो में जरा भी वाइब्रेशन नहीं है। उसका रीज़न है कि माउंट की बेस प्लेट चारों तरफ से स्ट्रैप से टाइट है, जिसके चलते कैमरा ज़रा भी शेक नहीं हो रहा है और बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वॉक करते हुए, ये स्ट्रैप माउंट के साथ में है। फ्री हैंड होकर वॉक करना ये शानदार एक्सपीरियंस है। अब मोबाइल कैमरे से देखिए मेरा हाल। बारिश की वजह से रेनकोट पहना हुआ है और कोविड-19 वायरस के चलते रुमाल बांधी हुई है, और इस तरह से चेस्ट स्ट्रैप माउंट में फिट है ये कैमरा। कैमरा वाटरप्रूफ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम बहुत शानदार है, जहाँ नज़र डालो ग्रीनरी ही ग्रीनरी। यूँ तो मैं बाहर निकला था स्ट्रैप माउंट की फ्रेमिंग चेक करने, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत है कि और घूमने का मन कर रहा है। यहाँ भुट्टे मिलते हैं, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का अलग ही मज़ा है। कई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं तो भुट्टे वाला भी यहीं कहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल अमित कुमार डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज, जिसका नाम भी है अमित कुमार डायरीज़, उसे भी लाइक करिएगा। मैं ऐसे ही घुमक्कड़ी के व्लॉग यहाँ अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।